सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते विश्वभावाय भावाय सर्विभावान् वन्दितु सर्वसिद्धि द्रोमचल्मणोभवं गदिं पत्ते उच्छामि समय पाहुण मेमो सुदकेवली वणिदम् सर्वपरवमेवडो वठाय पर्व नंदी सरसुरुजाय वसुधरा है हमें सकति सुनाई हाँ करी थापना पूजे जिन ग्रह प्रतिमा आपना निज वज्र पौरुषो से प्रभु अंतर कलुष सब कर लिए प्रांजल प्रदेश प्रदेश में युष निर्जन सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे तुम्हें कोर दय स्थाप मुक्ता चरण को चूमते सिद्ध चक्र मंडल विधान और सिद्ध पूजन आज दूसरे नंबर के अपन को 38-39 पेज पर निकालना है। सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों को वंदना की पद्धति भी लोकोत्तर सारे जगत से न्यारी है। नमो सिद्धाणम तो सभी बोलते, श्वेतांबर भी बोलेगा, दिगंबर भी बोलेगा, सर्प का जहर उतारने वाला भी बोलेगा, भय में भी बोलेगा, कुछ कामना से भी बोलेगा। यहाँ कहते सिद्धों को नमस्कार यानि सिद्ध स्वरूप का स्वीकार, सिद्ध भगवान को जो पसंद आया, जिसके बल से हमारे सिद्ध भगवान सुखी हुए, एक ही मार्ग। आप इस विधान में सिद्धों से प्रभावित हो, ऐसा लगे कि सिद्ध भगवान हमें मिले, बात बात में तुम्हें भगवान की याद आए, प्रभु आप ना होते तो मैं देह को अपना मान के बैठा, आपकी अशरीरी दशा देख के लगता शरीर मेरा नहीं, हे प्रभु आपने कर्मों पर विजय प्राप्त की, हम कर्म बांधने में लगे, अरे ये मार्ग विराधना का बंधने का नहीं है, मार्ग छूटने का, एक एक बात में स्वावलंबन दिखे, स्वतंत्रता दिखे, अंतर्मुखता दिखे, विषयों से चित्त फटे, कहीं मन न जाए, ऐसा लगे कि भगवान मिल के से गए आप, बहुत दुर्लभ है ये भगवान का मिलना। इसी पूजन में आज इतनी सुंदर पूजा, 148 प्रकृतियों के कर्म की गजब की पूजा लिखी पंडित साहब, उसमें अनंतान बंदी का जब निरूपण किया, 24 नंबर की गाथा, 24 नंबर का अर्घ निकाल छठवीं पूजा का, इतना अच्छा लगा कि ये विधान शुभचंद्राचार्य देव द्वारा रचित और उसका ये भावानुवाद अपने संत कवि ने किया, बहुत गजब की रचना हुई। पेज 86
24 नंबर का अर्घ मिला गया। छठवीं पूजा 24 नंबर का अर्घ। धर्म मार्ग पर उपजे रो उदय भये में ख्यात सदो ये अनंत अनुबंध निवार हे सिद्ध प्रणमो सुख का। ऐसा रहस्य अनंतानंदी के अभाव को कौन बताए जाए। हम किसे समझते थे क्रोध गुस्सा जाना चिड़चिड़ाहट होना नाराज हो जाना इनसे पूछो किसे कहते। ये तो क्रोध सम्यक दृष्टि को भी आता वो भी लड़ता बढ़ता उसको थोड़ी अनंतानंदी कहते। पढ़ो आज क्या कहते अपने भगवान अनंतान बंदी कसाय किसे कहते। धर्म मार्ग में उपजे रोष। धर्म मार्ग कहलाता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित रत्नात्रय सदुपयोग स्वानुभव। ये जो मोक्ष का मार्ग है इसके प्रति जीव को अरुचि बैठ गई। कैसी अरुचि बैठ गई कि सम्यक दर्शन तो कहता है कि चाहिए और जब सम्यक दर्शन का विषय बताते तो नाराज हो जाते। गजब की जीव की पद्धति। यानी मंदिर में आकर पूजा करने तैयार है और पूज होने की बात कहो तो नाराज हो जाए। कैसा बनिया ये आदमी इसे मार्ग पसंद नहीं आता। और सब में मिल बैठ जाएगा भाई भाई शादी में विवाह में पार्टी में पिकनिक में धंधा में और धर्म में नहीं बैठे। बाप वहाँ जाएगा और बेटा वहाँ जाएगा। इसका अर्थ है इसे मोक्ष मार्ग पसंद नहीं आता। अपने में धर्म मार्ग में सिमिलरिटी हो बाजू में दूसरी बातों में चलता है। भगवान एक प्रकार के हमारे 24 चिन्ह भले दिखते हैं हमारे वीतरागी भगवान सब एक से होते सर्वज्ञ वीतरागी होते सब भगवान। शांतिनाथ को ज़्यादा देते हो और वो कुंथनाथ कोई पूछे ना मुंशुव्रतनाथ शनि उतारते हो ये भगवान के मार्ग में नहीं चलता ये सब नाटक। शांतिनाथ की स्थापना करने हर आदमी तैयार हो जाए और नवीनाथ को कोई पूछता है इसका इसका दिमाग ठीक नहीं। जब हमारे भगवान ही एक प्रकार के हैं तो कोई भी भगवान को देख। और इस जीव ने बनिया ने वहाँ भी भेद डाला यानी ऐसा लगा सचमुच में कि सचमुच में हुंडाओ सर्पणी अभी अभी आ गया अभी अभी आ गया। इतने ज़्यादा भगवान रखने का रोग ये जीव को कहाँ ले जाएगा समझ में नहीं आ रहा। धूल पहुँचने की तो भाव नहीं आती। ये तो शहर है ना अच्छे सुंदर भगवान है इसलिए आप प्रक्षाल करते हो और एक में दस दस आते जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ जाके देखो आप काजल लगाए तो छूटता नहीं धूल पड़ रही है मंदिर बाद में बनती रहती ऊपर धूल गिरती है। इतने पंचकल्याण इतने भगवान रख रहे क्या हो गया। एक भगवान सफिशियंट है समझ में आता जिनकी मुद्रा देखो और आत्मा दिख जाए। जहाँ इतने भगवान रखे हैं और फिर भी रखता है इसका दिमाग ठीक नहीं। कैसे रखने की ताकत आई तुम्हें तुम क्या सोच रहे। एक बाहुबली देखो पूरे विश्व को जगा रहे एक बाहुबली पूरी दुनिया आती है उनके पास खींचे। तो एक हमें स्थापना की नहीं कहना ये कहना कि ये जो धर्म के व्यवहार बताए तो सचमुच में परमार्थ निश्चय मोक्ष मार्ग पसंद नहीं आते जी। मंदिर तो आ जाता है पूजन तो कर लेता स्वाध्याय में तो बैठ जाता पर जैसे ही उससे कहते हैं कि तू करता धरता नहीं ये भगवान ने कहा तो नाराज हो जाते। हम इतने दिन से ये काम कर रहे हैं कुछ नहीं करते। यानी उसे अकर्ता सुनना समझना पहचाना बहुत कठिन। नाम लो तारीफ करो तो ये धर्म मार्ग कहलाता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का मार्ग। और इसके मार्ग में जो विरोधी होते हैं चारों परिभाषा में यदि तुमने कहीं भी खोट निकाली मर जाएंगे। अपन सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा को छोड़कर तुम सात तत्व समझोगे कुछ समझ में नहीं आए। पहली क्लास है पढ़ो अनुक्रम से लिखा पंडित साहब इस अनुक्रम से जो चलता है उससे मार्ग की प्राप्ति होती है और अनु और उल्लंघन करके चलता है वो मानादिक कसाय का पोषण ऐसा लिखा 328 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाश। आत्मा की बात अच्छी लगती है और जिनने बताई भी अच्छी नहीं लगती इसका अर्थ तुझे आत्मा भी अच्छी नहीं। भगवान सिद्ध की पूजा करते हो तो भगवान सिद्ध के पास तो कोई विषय सामग्री वो तुझे विषयों में सुख दिखता है भगवान की पूजा करता तो कैसे करता होगा। पूजा करना यानी मुझे अब विषयों में अच्छा नहीं लगता ये पूजा
अब भगवान मुझे नहीं चाहिए संसार, मुझे नहीं चाहिए भोग, इसको कहते पूजन। ऐसे लिखे इसमें आर्ग, धर्म मार्ग में उपजे रूस उदय भई मिथ्यात सदूर, यह अनंत अनुबंध निवार भई सिद्ध प्रण मुसुख। हर अर्घ में ऐसे ऐसे ही लोर से प्रणाम किया, हे भगवान हाथ जोड़ के नमस्कार, हे भगवान आपको नहीं छोड़ता, आपके चरणों में रहूंगा, ऐसे अर्घ निकले आज तक। कितने अच्छे भगवान, कितने अच्छा मार्ग, स्वाधीनता का मार्ग, इसमें कुछ भी न पैसा लगता न कहीं तुम्हें अलग से बैठने की जरूरत, ये तो रुचि का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये तो 24 घंटे का मार्ग। अपन तो समझते मंदिर में पौन घंटा देंगे, अरे मंदिर में तो शिक्षा लहे, यहाँ पौन घंटे में तो सिर्फ सीख दी जाती, दिन भर है आपका धर्म का। आप जहाँ रहो अकर्ता रहो, आप जहाँ रहो शरीर का एकत्व तोड़ के रखो, आप जहाँ रहो विषयों में सुख नहीं है, ये मानसिकता 24 घंटे चलती। धर्म कोई ऐसा होता है टाइम भी, नेता लोग लिखते 24 घंटे आपकी सेवा, तो तुम्हारा एक घंटे की सेवा में मोक्ष हो जाए। तो ये धर्म मार्ग में अपने चित्त में क्यों अरुचि चलती है, हम अपनी मुद्राओं को क्यों बिगाड़ रहे, हम क्यों विकृति अपने चित्त में रख रहे, हमें क्यों भगवान नहीं पता, हमें विषय अच्छी लगे समझ लेना सिद्ध भगवान अच्छी नहीं लगे, धन की महिमा आए समझ लेना तुझे वीतरागी नहीं होना, तुझे अहंकार आए समझ लेना हम सिद्ध भगवान के विरोध में खड़े। कोई करता धरता नहीं सर्वज्ञ के केवल ज्ञान, पर हम करता धरता कहाँ मान दे भगवान। भगवान की जय बोल लेना अलग, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध, किसे क्रोध कहलाता है, अनुत्साह अरुचि, ये समय सार कर्ता कर्म अधिकार में पहले ही कलश है। एक है कर्ता चिदय में मे कर्म कूपा दयोमी इत्य ज्ञाना, ये अज्ञान है ना, ये क्रोध अज्ञान है उसकी जड़। एक है कर्ता चिदय में, मैं एक चैतन्य भगवान आत्मा कर्ता, और मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्रोधाधिक, मेरे भीतर से कसाई निकल, ऐसा होता है कभी, ज्ञान स्वभावी आत्मा से कसाई निकलती, अरे ज्ञान स्वभावी आत्मा से क्षमा निकलती, शांति निकलती। तो ये अनंतानंदी क्रोध बताया कि भाई घर में गृहस्थी में भाई भाई लड़ सकते, माँ बाप भी अलग हो जाते, सब हो सकते, इससे कोई मिथ्यात का संबंध, तुम्हें गुस्सा आ जाती, बच्चा नहीं मानता डांटते हो, पुजारी और माली और सब ये रहते हो, सब अनुशासन के लिए सब बातें आती हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब इससे इसको अनंतानंदी से नहीं नापना कि मुझे भूख क्यों लगी, मैं दुकान क्यों जा रहा हूँ, और मुझे सिर में दर्द होता है तो बता देने में कोई मिथ्यात हो जाए, ये तो सब ज्ञानियों के भी इससे क्या सब धर्म, असली धर्म तुझे आत्मा नहीं पसंद आता, तुझे भगवान नाम से चिड़ोगे, तुझे अकर्ता कहें तो बुरा लगता है, तुझे राग में धर्म बताएं तो धर्म दिखता है, जब वीतरागता कहें तो पसंद नहीं है, इसका अर्थ तू तात्विक विरोधी है, ऊपरी ऊपरी सब मेल बैठता है, लाखों देने तैयार, अभिषेक करने तैयार, पूजा करने तैयार, बात मानने तैयार, काय का भगत, समझे भी आज अनंतानंदी क्रूर, अभी मान दे हो कैसे, देवे धर्म गुर सो अभिमान उदय भई मिथ्या सरधान, ये अनंत अनुबंध निवार सिद्ध प्रण मुसुख का। और देव सास गुरु के दरबार में आकर और उनसे ज्यादा अकड़ बता रहा, मैंने खोज की, मैंने निकाला, मैं बता रहा हूँ मेरी रचना, सब तो इनसे सीखे और फिर इनसे ज़्यादा बड़े हो गए, ऐसे बड़े हो गए जो इंजेक्शन लगा लगा के लौकी बड़ी हो रही और ऐसे बड़े बड़े हो रहे, वो देखने की बड़े हैं उसमें कोई दम नहीं, भगवान से बड़े बनोगे मर जाओगे, कहाँ जाओ, मान महाविष्णु कह रही, समझ में आई, ऐसे तुम घर में बड़े रहो, बड़े भैया बनो, सब चल जाए, पर तुम यहाँ तो निर्मानता से आओ, यहाँ तो मान गलाने के लिए, ये मंदिर बहुत पवित्र जगह है, समोसरण है, तीन लोग के नाथ विराजमान है, महाभाग जिसको यहाँ घुसने मिलते और अच्छा लगना चाहिए, देखो आना तो उदय,
आने वालों की तारीफ कम और जिसे पसंद आ जाए उसकी तारीफ बहुत। जो विचारों में ले आता है समझ लेना इसकी सुलटने का काल आ। ऐसे भगवान ने मीना राजुल कहती है यही बंधन मैंने देखा था पशुओं का, मुझे बैराग नहीं आया। यही बंधन नैमिश्वर ने देखा, उन्हें बैराग आया। अरे रे मैं कितनी कड़े हृदय की हूँ, मैं सादी मुख हो गई थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि बंधन फंसना ये कोई अच्छा काम। राजुल इस तरह से विचार करती, अरे जो उनका मार्ग है वही हमारा मार्ग, अब हमें उनसे शादी का भाव आ गया, अब हमें कोई दूसरे बारे में विचार नहीं आएगा, हम तो भगवान बनने के मार्ग में, जो हमारे नैमिनाथ का मार्ग हो हमारा। ऐसे हो तो साधक जी तो भगवान के दरबार में तू सेल्फी खींचता, तुझे समझ में नहीं आता क्या कर रहा। अरे इनके सामने सेल्फी खींचना, अपनी अपनी छवि अपनी फोटो उतारो इस चमड़े की नहीं, और फिर भगवान पीछे हो जाते तो मांगे हो जाते। कैसे कैसे अभिमान कर सकता है उन्हीं की बात और नाम अपना। बहुत बुरा काल है, बहुत बुरा काल। जीव भगवान के दरबार में बिगड़ रहा, अब बताओ सुधार के कहाँ सुधार। जहाँ सारे समाधान मिलते हैं वहाँ रिएक्शन कर रही दवाई। जिस सियादबाज से सारे प्रश्नों के समाधान पंडित साहब, उसी नए को पकड़ पकड़ के पक्ष बना। हम निश्चय वाले जी, व्यवहार वाले, हम उपादान वाले, ये भैया कहाँ लिखा। आज कर्म की कैसी खुल के चर्चा की विकास भी। अरे भैया ऐसे कर्मों पे आपने विजय पाई, ऐसे कर्मों पे विजय, कर्मों पे कुछ विजय नहीं पाई, परंतु वे नाम मात्र नहीं रहा, वो भी चले गए। जिसकी कर्ता धरता नहीं बन, निमित्त है कर्म, उनको दया ना ही ऐसा लिखा। अब सीता के दुखों को बताने में कर्म ही तो बताओगे आप, कि सीता के इतनी पवित्र जीव और उसे कोई रावण हर रहा, तो घर का देवता पति मर्यादा पुरुषोत्तम इतना सरल हृदय का जीव, बहुत प्रसिद्ध जीव है, बहुत पवित्र जीव का नाम है राम, और वो अपने हाथ से निकाल दो सीता। ये कैसा कैसा व्यवहार। अरे सीता को राम नहीं निकाल रहा, उसका उदय निकाल, तो समझ में नहीं आता ये उदय, ये कर्म बहुत ईमानदार। एक फैक्टर विश्व में ऐसा है कि CCTV फेल हो जाए, पुलिस और जज घूस लेके फैसला उल्टा सुला दे, परंतु प्रकृति की व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है इसमें बेईमानी अन्याय होते ही नहीं। बहुत व्यवस्थित विश्व है, किसी को उंगली नहीं उठाना, अपने जिम्मेदारी नहीं जगत की बात, तुम्हारी तुम जानो हमारी, हमें सबको अपने अपने परिणामों का पाला, हम क्यों इसमें। इस जन्म में नहीं मिला पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। करो कैसे पाप करते, कैसे नहीं उदय आए, प्रतिमा के निकालने का पाप। अब 122 वर्ष इतनी पवित्र जीव, अब 100 गालियां सहना पड़, मुनि अर्ज का बात कर रहे और सीता के जीव वेदवती किस पर्याय में थे, और कह रहे देखो 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 क्या कर रहे। अरे तू जानती मुनिराज कितने पवित्र, तू जानती माता जी बनी है जी कितनी उत्कृष्ट जीव होती, कोई घर छोड़ना कोई सामान्य बात, और इन्हें अपने कल्याण के लिए छोड़, और तू इन्हें दोष लगा रही, पवित्र जीव। दोषी व्यक्ति को दोष दिखते, जिसकी दृष्टि जैसी होती ना उसको ऐसा दिखता। मानी रावण को बाली मुनि में मान दिखता था, बाली मुनि मार दो धर्म के धाय, ओके देखो ये बड़ा तपस्वी है, कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा है, मान तो छोड़ा नहीं, और जबकि खुद ही को मान है। अब वो फल आएगी नहीं अंजना को, ये 100 भाइयों के बीच में एक बहन, और पिता पापा ने मम्मी ने कैसे पाली होगी एक बच्ची 100 में 1, और उसको वो कह रहे कि जिसे जिसने अंजना को शरण दी उसे जेल में डाल दे। सोई भाई निकाल रहे माता पिता, अरे वो कोई नहीं निकाल रहा, तो कर्म तो निकाल रहे, कर्म नहीं निकाल रहे, कर्म तो गवाह है साक्षी कि मैं खड़ा था जब तुम प्रतिमा के प्रति अनादर की भाव कर रहे, मैं था। इसका नाम है एक इस कर्म से होता है, इस कर्म से होता है कहा जाता है। कर्म बेचारे कौन वो क्या जाने किसी को सुख दुख देने, पर ये जब दुखी होगा तो कर्म के उदय में ऐसी प्रतिकूलता वहां खड़ी होगी। ये भगवान के ज्ञान में आई बात, ऐसे कर्मों पर विजय हमारे भगवान ने पाए। अब भगवान को कभी कोरोना नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, कूड़ नहीं होगा, गरीब नहीं होंगे, चार गति में नहीं जाए, कितनी सुंदर आज श्लोक उगा था निकली।
मान नहीं करना भैया, मान महाविश्रूप कर ही नीच गति, बहुत विनय से आना, बहुत विनय से आना, ये बहुत बड़े पुरुष का दरबार। यहाँ पर अकल क्षयम की भी 8 स्थान है मान की, अष्टावासृत मानत्वम ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो बपो, ये सब नाटक होते बीच में कहीं ना कहीं, जरा सा पढ़ा और ऐसा लगने लगता माई सेल्फ आई एम, ये तू लगता का भैया ये तो समुद्र है। अपन को तो 4 गाथाएं याद नहीं, जिनको द्वादसांग याद है वे तो कहते भगवान आपके केवल ज्ञान के सामने हम बूंद। वीरसेन स्वामी कहते हैं हे भगवान मैं, लोग से कहती मैं कट पुच्छ वृषभ की तरह हूँ, जैसे पूंछ कट गई हो बैल की, ये सब हमारे गुरु है जनसेन स्वामी, वीरसेन स्वामी 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, कितना बृहद ज्ञान था। अबे इतनी लघुता रख, विनय से मार्ग मिलेगा, अकड़ से नहीं मिली। ये अकड़ वो वाली नहीं जो धन पैसे वाली, ये अकड़ है मिथ्यात के साथ अनंतानुबंधी वाली, धर्म मार्ग में अभिमान। यहाँ पर मैं जानता, मैं ऐसा करता, मैंने ऐसा किया, ये अकड़ है ना, ये दुर्गति में भगवान फिर दोबारा मिलना कर। तीसरा आया था छल सो धर्म रीत दल मली उदय हो यमी क्या जब चली ये अनंत अनुबंध निवार प्रणमु सीधे सुख का। अब धर्म में भी छल कर, हमारे भाव तो बहुत अच्छे रहते, अब क्या कर, मतलब वो आप अपने से पहचानना कि हम धर्म के क्षेत्र में भी कैसी मायाचारी करके और त्रेज के चले। मृदुमती का नाम सुना और त्रिलोक मंडन हाथी हो गया, तपस्वी मुनि 4 महीने तक उपवास करते उस गुफा में विराजमान, और वो तो 4 महीने के बाद विहार कर गए। एक दूसरे सामान्य मुनि आए जिनने रिद्धि सिद्धि भी नहीं थी और 4 महीने उपवास, और लोगों ने समझा ये ही मुनि है जिनने 4 महीने उपवास किया, तो खूब गांव के लोगों ने पूजा भक्ति की और वे बोले नहीं कुछ, इतने में भी हाथी हो गए। सोच उन्हें बताया नहीं कि मैं वो मुनि नहीं हूँ जिनने उपवास किया, वो रिद्धिदारी मुनि आज तो अलग थे, मैं तो आज ही आया, मैं तो अभी आया, ये सही बात नहीं बताई। छल में ये अभी पटक दिया 1 मिनट में त्रिलोक मंडन आती हो, बाद में तो देखो कल्याण हुआ। ये त्रिलोक मंडन आती हो भरत के जीव, ये आदिनाथ भगवान के सामने जो 4,000 राजा दीक्षित हुए थे ना, उनमें से 2 मुनि ये दोनों। बता कितना लंबा काल खींच के सोचो, भरत यानी मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जमान 60 लाख वर्ष तक जिनका तीर्थ चला, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान जिनके काल में सीमंदर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान इनके काल में रामचंद्र शासन काल में हुए, अंगद नील महानील सुग्रीव, सुग्रीव कौन है पंडित साहब, वही बैल है जो पद्म रुचि ने वो काल मन सुनाया था, वो राम का जीव था, और जिनने सुना था वो बैल था ना, वो सुग्रीव का जीव, वो बैल से राजा बना और फिर बाद में वो सुग्रीव और वो ही मोक्ष चले। जो सच्चाई की अनुमोदना करने वाले वो संसार में नहीं टिक सकते, वो सब भगवान बने। 4 जानवरों ने जब वज्र जंग राजा आहार दे रहे थे, श्रीमती राजा और रानी दोनों वन जंगल में, वो 4ों पशु खुश हो गए थे, कैसा सुंदर जीवन है, कैसे होते मुनि राजा, देखो उनकी ज्यादा ज्ञान नहीं काम पर इतना तो उनकी भी बुद्धि चलती थी, ये बहुत अच्छे थे। वो 4ों भगवान के साथ केवल ज्ञान को प्राप्त, उसमें एक भरत चक्रवर्ती का जी, एक मतलब बहुत मुश्किल है जिसके मुंह से सत्य का अनुमोदन हो जाए। पुण्य की अनुमोदन है तो अपन ने बहुत, पर भगवान की मार की अनुमोदना होनी चाहिए। अंत में लोभ किसे कहते, लोभे उदय निर्मालय द्रव भक्षे महानिंदमति सर ये अनंत अनुबंध निवार हे सिद्ध प्रणमु। यानी लोभ तो अनेक प्रकार का होते ही है जी, परंतु जो धर्म का लोभ है ना, धर्म के क्षेत्र में आके लोभ करें, लौकिक लोभ, भगवान के
दिए गए द्रव्य से अपनी जीव का चलाए, अपने को चाहे मुझे यहाँ से मंदिर से कुछ मिले, महाभागी जी तो धर्म बेच रहे, ऐसे जीव को याद किया इसमें निर्मल द्रव्य में। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा कि मंदिर की यदि कोई अलमारी कांच और चटाई टूट फूट जाए और तू कहे कि मैं पैसा दे दूंगा और तिल घर ले जाता हूँ, तो तुझे निर्मल द्रव्य लेने का पाप लगेगा, क्योंकि ये मंदिर की जो भी सामग्री होती है सिर्फ धर्म प्रभावना के लिए होती है, यहाँ कोई लौकिक चीजें नहीं होती, पारलौकिक स्मृति तुझे आए धर्म में लगे ऐसी चीज, यहाँ की चीज कभी भी घर ले जाने का भाव नहीं आने। अब तो मंदिरों में जिनवाणी लाला के रख, अब तो ऐसे काल आ ले जाने की बात तो कहे, मुफ्त में भी जिनवाणी ले जाओ तो ले जाने वाले नहीं मिलेंगे, वापस लाने वाले, ऐसा हीन काल आ गया। तो कभी भी मंदिर से लोभ की पुष्टि नहीं करना भगवान के दरबार में, लोभ घटे वो जीवन जी। अभी निकालो दूसरी गाथा की जयमान। गजब का ग्रंथ है भैया, इसमें आपको बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, अरे मैं भगवान बनूंगा, भगवान के मार्ग में आया, भगवान मुझे अपने केवल ज्ञान में शरीर बिना का कर्म बिना का राग रहत देखते, मेरा स्वभाव कैसा मैं भूला हुआ, इनके पास आने पर याद आता है, पूजन में याद आता है, जितने गुण भगवान के गाए जा रहे इस शक्ति रूप में सब जीवों के, उनने इसे पहचान कर व्यक्त कर लिया और हमें और आपको ऐसी धुन जगानी, इसे मन बनाना। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के जग प्रपंच विरत सदा नमो सिद्ध सुख नमो सिद्ध सुख पंच परम परमात्मा। पंच परम यानी क्या होता है, पांच यानी पंच यानी पांच, और परम यानी उत्कृष्ट, परमात्मा यानी भगवान। अपने यहाँ अरहंत भगवान को भी गुरु कहा जाता है और साधु को भी देव कहा जाता है, नौ देव और परम गुरु हो, अपने यहाँ व्याख्या समझे, प्रयोजन परक व्याख्या रहती, जिससे जीव को अरे हमारे भगवान गुरु तीन लोक के नाथ सबके गुरु सबको मार्गदर्शन। तो पांच परमेष्ठी को भी पंच परम कहते परमात्मा, और पंच यानी सरपंच होता है जो न्याय करेगा, जो जीवों को सुखी होने के विधि कानून बताते तरीके बताते, ऐसे हमारे भगवान पंच सरपंच श्रेष्ठ, ऐसे परम पिता परमात्मा पांचों परमेष्ठी कहो। यहाँ विधान अपना सिद्ध चक्र है, इसलिए सिद्ध परमेष्ठी को मुख्य याद करना चाहिए कि सिद्ध भगवान सबसे बड़े पंच सर्वोत्कृष्ट भगवान। अरे अरहंत तक संसारी का पंडित, जब तक असिद्धत्व का उदय है तब तक जीव संसारी, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसार, कौन ने लिखा है, परमार्थ वचन। अभी तो अपन को ही पढ़ना, तो ये कैसे हमारे सिद्ध भगवान रहत कर्म के फन, ये भगवान कर्मों से रहते, कौन से कर्मों से बेबी है, तीनों कर्मों से रहते। मूल रूप में अपन को समझना चाहिए भाव का, क्योंकि अपना दुख का संबंध सीधा कसायों से बोझ से राग द्वेष, ये मिट गए तो द्रव्य कर्म तो दूर हैं ही और हो जाएंगे, उनका संबंध भी नहीं बनेगा। तो हमारे भगवान तीनों प्रकार के कर्मों के फल से रहते, और देखो एक पहचान बता, जग प्रपंच विरह सदा, यानी जो भी व्यक्ति सुखी होना चाहे तो हमारे ज्ञानियों से सीखो, जगत के प्रपंच में कभी नहीं पड़ना, कौन लड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन मंदिर नहीं आ रहा, कौन जान रहा है, कौन आरती कर रहा है, कौन अभिषेक कर रहा है, भैया तेरी कृपा, यदि हमसे कोई पूछोगे तो हम बता दें मार्ग, हमें ये बांझल जी बहुत अच्छी लगती, ये बहुत गंभीर जी व्यक्तित्व, बहुत बहुत गंभीर है, बहुत 2500-2500 वर्ष से देखते, ये ज़्यादा कभी किसी प्रपंच में हमने पहले पढ़ते नहीं थे, बहुत शांति से अपना स्वाध्याय करते हैं, जो जगत के जीव समझने के लिए तैयार हो, चाहे इनको जयपुर बुलाओ और चाहे मणिराज बुलाएं चाहे हम बुलाएं, ये सब जगह निरपेक्ष होके जाते, ये ऐसा जीवन मिलना भी बहुत कठिन होता,
बहुत कठिन होता है, यानी उदासीन ज्ञाता तटस्थ ज्ञाता साक्षी रह, जज की तरह रहना। इस तरह से भगवान आप सारे प्रपंचों से रहित हो गए हो, आपको जय हो प्रभु, हमारे भगवान इस लड़ाई लफड़े में पड़ते ही। इसी तरह यदि आपकी आदत बन जाएगी ना, तो आप भी ऐसी प्रपंचों से बचने की कोशिश। सास और बहू का झगड़ा हो तो लड़के को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो मम्मी को भी अनादरित नहीं कर सकता, उनने जान दी पूरे बच्चे को, और पत्नी को भी लाया है किसी तरह से, तो इसे दुखी करने के लिए नहीं लाए कि तू नौकरानी, अरे वो भी एक जीव, एक नियोग है, सब अपने यहाँ आग। तो हम किसी को भी छोटा बड़ा क्यों दे? तो वो क्या करता है कि मम्मी की सुनेगा, हाँ मम्मी सही कहती, और पत्नी की सुनेगा, हाँ आप भी सही कहती, और आगे पाठ पीछे सपाट, शांति से अपने काम में लगे। किसे समझाएं भी, तुम अपनी योग्यता से समझोगे? बहुत मार्ग मंगल है ना, हमें लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, ये समझा रहे। दुख कारण देश पीड़ारण हो बस लारण रा निवारण हो भवितारण पूर कारण हो सबसे नमो सुख कारण। ये पूजा इतनी अच्छी लगती है, बहुत पवित्र हृदय से लिखी है ना ज्ञानी जन, इन नाम बड़ाई के लिए नहीं लगती है, इनको तो भक्ति उपचल। तो देखो हर एक लाइन के दो लाइन के बाद एकदम सुख, नमो से दे प्रभु सुख का नमो निकलता, बस जय निकलता है, हाथ जोड़ता हूँ भगवान आपके पैरों में झुकता हूँ, आप जैसा बन जाओ। ऐसी भक्ति यानी ये जो प्रेम होता है ना उल्लसित, जैसे माँ अपने बेटे को चल दे भोजन करें, ऐसे प्रेम से बुलाते, जैसे नहीं कि आइए भाई साहब भोजन कीजिए, जैसे नाटक नहीं करती मिलती कभी, चलो कितनी देर हो गई, ऐसा ऐसा भी तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। यानी माँ के वात्सल्य और उसका प्रेम कोई अलग रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई अपने भगवान भव्य जीवों को ताड़ने में यही कारण बने कि आप इनसे सब कुछ सीख सकते हो, कि भगवान का अस्तित्व देखो, शरीर नहीं बचा, कर्म नहीं रहे, राग नहीं रहे, मात्र ज्ञाता रहते हैं, भीतर देखते हैं, विषयों की जरूरत नहीं, किसी के प्रति इनको राग द्वेष नहीं। धन्य प्रभु आपकी इस पुरुषार्थ कि आपको इतने बड़े विश्व में एक भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं आता, हमें तो बात बात में आती। बड़े पंडित जी ने पूछा, बताओ तुम्हें पाकिस्तान के प्रति कैसी भाव आती? यदि हमें कोई से राग द्वेष नहीं, उसका नाम लेना तो उसे एकदम से ऐसा लगता है कि कैसा आदमी, द्वेष भरा, तो क्यों भरा भाई, उसने क्या बिगाड़ा? फिर रावण कैसा था, उसने अब अपनी कब सीता हरी? ऐसे आप जब स्वाध्याय भी करोगे ना, तो आपको लगेगा कि पढ़ करके भी राग द्वेष खड़े नहीं करना, वो जीवों के परिणमन बता के उदय बताए है, और ज्ञानियों की समता बताई है, उदय किस किसके कब आ जाए, ये सब ज्ञान कराए, ज्ञान करके और राग घटाना, वैराग जगाना, इसके लिए तो स्वाध्याय। तो राग और द्वेष आपके दूर हो गए, दुख का कारण द्वेष, किसी से भी बैर रखना, चिढ़ना बिना प्रयोजन के, ये तो भगवान के नहीं रहा। सबसे ज़्यादा खतरनाक है आखिरी में राग जाता। तो राग ऐसा तत्व है, ऐसा तंतु है कि सारे पाप राग के कारण। अपने पुरस्कार सिद्धु पाए में तो राग की उत्पत्ति को हिंसा का अप्रादुर्भाव है, खलु रागादीनाम भवत हिंसेति तीसा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम से संक्षेप। जिनागम का संक्षेप में अहिंसा हिंसा का निरूपण दो लाइनों में लिखा हो, राग की उत्पत्ति हुई यानी तेरे सदुपयोग का घात। राग के पीछे सुकौशल की माँ ने, सुकमाल की माँ ने मुनियों की निंदा की। राग के पीछे यानी राग है ना, ये जो पहलवान हो चोर डाकू और जेलों की बड़ी बड़ी मोटी दीवारें तोड़ के निकल आता है, पर अपने घर का पिलाई भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि अपने घर के प्रति राग है और वहाँ द्वेष है, तो उसको तो तोड़ के निकल आता है, पर यहाँ राग होने से उससे इतनी सी बात को गौण करके बाहर नहीं निकल।
ऐसी आचार्य जी कहती, इस राग से तेरी संसार कितनी कष्ट है, जरा सा संजुलन का राग जब एक भाव खड़ा कर सकता नकुल सहदेव की, तो अपन को कैसा लगना चाहिए कि भगवान मेरा राग कैसे जीत। हमें किसी से द्वेष ना हो, किसी से राग ना, ऐसी विनय भक्ति तत्व अभ्यास से होता है काम। ये तो अपन भावना में भाते कि हमें राग द्वेष, पर जब तुम तत्व को समझोगे तो अपने आप राग द्वेष होना बंद हो जाएगा। सन्मत संदेश में पंडित जी एक कथा आती थी कि पिताजी 12 वर्ष के लिए बॉम्बे चले और बहुत वैभव इकट्ठा करके लौट रहे थे, और लड़का आज 12 वर्ष का हुआ, उसे पिताजी को 12 वर्ष तक देखने नहीं मिला, तो वो लड़का लेने गया स्टेशन, छोटी स्टेशन, व्यवस्था ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी रेस्टोरेंट। तो वो पिता उतरा और समर्थ समृद्ध हो गया था ना, अच्छे से कमरा वमरा लिया, रात ज़्यादा हो गई तो जाने के लिए मन नहीं बना, और ठंड के दिन, और वो बच्चा लेने आया और पिता का पता वह लिखा था तो पहचान ही नहीं पाए, वहाँ से पिता उतरे, इस लड़के को खोजा कि कोई है ही नहीं, समझ में नहीं। तो उस व्यक्ति ने वहाँ एक कमरा लिया कि हम रात यहाँ रहेंगे फिर सवेरे चले, और वो लड़का सर्दी से खांसता थकार था, बुखार चढ़ा, और वो कहे कि बाबू जी मुझे इस कमरे में रोक लो ना, सवेरे निकल जाएंगे, हम लेने आए थे मुसाफिर को, वो मिला नहीं, चले ऐसे बहुत आते रहते। और उस लड़के को रात में ठहरने नहीं, रात भर वो बाहर रहा, ठंड में अकड़ गया और उसका मरण हुआ। तो जब उसने देखा कि हमने उसे मना किया था कि कौन है, तो उसके पॉकेट में पत्र निकला और उसमें पिताजी का नाम लिखा, देख के रह गया कैसा आदमी, अपने बच्चे को जगह ही नहीं, अब क्यों रोता है, और पहले क्या हो गया, ये अज्ञान इतना बुरा पाप है, तुम किससे राग करते किससे द्वेष करते, एक बार पहले वस्तु स्वरूप देख के बता, फिर बताना कि हम इससे राग करें, ये तुम्हें पता होता कि ये मेरा बेटा है तो बताओ उससे इस तरह का द्वेष और चिड़ होती कि नहीं आ सकती। ऐसे हम आपसे कहते हैं कि आपके घर में जो नौकर कर्मचारी लगे ना काम में, बरौनी धोवन और कर्मचारी, ये पता है तुम्हारी मम्मी है कि पापा है कौन, अभी तो तुम उसके वेतन काटते हो, तब तो उसे डांटते हो, तब तो उनसे लड़ते हो, पता नहीं तुम्हें कि मम्मी किस रूप में आई थी। तुम्हें हकीकत पता चल जाए ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि हम करते क्या है किससे व्यवहार, वो तो जीव अभी शान में बैठे इसलिए पता नहीं चल। भगवान कह रहे एक बार तुम 6 द्रव जान के राग द्वेष करके बताओ, वस्तु का स्वरूप जान के बताओ, ये तो वो आदमी बन के मनुष्य बन के बैठता है और पर ये ठीक नहीं और ये ठीक, ऐसे संसार चल, संसार में राग ही द्वेष तो है ये खतरनाक तंत्र। राग के कारण तो सीता को ले गया, राग के कारण तो ये पांडव और कौरवों की लड़ाई होती थी, वो कहे 5 ही गांव दे दे, वो कहे अभी एक नहीं दे, ये राग का खेल तो है जो यूक्रेन में और रूस में चल रहा है, द्वेष और राग यही चल रहे हैं। धन्य है हमारे सिद्ध भगवान ने जिनने राग द्वेष जीत, उनका कोई शत्रु नहीं, उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु मित्र नहीं, नहीं शत्रु मित्रता की जगह नहीं। बात तो सरल ये है कि कहना तो बहुत सरल है कि राग द्वेष छोड़ देंगे, पर राग द्वेष का कारण अज्ञान है, और अज्ञान का कारण है ज्ञान का ज्ञान ना होना। जब तक तुम ज्ञान को ज्ञान नहीं देखोगे अज्ञान रहेगा, और अज्ञान रहेगा तो राग द्वेष होंगे ही। मोह मिटाना है भूले आपको भरमत बात, तो मोह मिटाना है आत्मा जान, आत्मा जानना है अनंत जैसा जान, अनंत को जानना है तो द्रिगुण पर्याय से जान, द्रिगुण पर्याय से जानोगे तो वैसे ही अपनी आत्मा है, अपने आप अज्ञान मिटेगा, मोह मिटेगा, दुख मिटेगा, संसार मिट जाएगा। तो भगवान का द्वेष भी नहीं जा, इतने बड़े विश्व में एक भी द्रव खराब नहीं दिखता, किसी आँख होगी भगवान कि कोई दुखदायी हो तब तो द्वेष करें, कोई अच्छा हो तो राग करें, जब राग भगवान ने 6 द्रव देखे अब हम किससे राग करें, कोई एक द्रव ऐसा बताओ कि सोना बहुत अच्छा, चांदी बहुत अच्छी कीमती, अभी सोना किसी को 1-1 किलो यहाँ से निकलते दे और सब लोग लेके चले, और 1-1 रूस का आदमी खड़ा पिस्तौल लेके फिर ले जाके बताना, 1-1 किलो सोना कमल कुमार जी सबको बांट देना,
और सामने वाला रूस का एक आदमी खड़ा है, तो अब बताना सोना कितना के? ये तो मोह ही जीव है, करेगा क्या सोने? सोने के और करोड़ों के नोटों से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा, समाधि नहीं होगी। ये राग करने लायक नहीं। देखो राग द्वेष छोड़े तो बहुत सरल है, यहाँ तो उसका कारण छुड़ाते हैं कि राग द्वेष के कारण ही नहीं है कि तुम किसी को अच्छा बुरा कह सको। यदि अच्छा बुरा जगत होता तो कभी राग द्वेष समाप्त नहीं। ये तो प्रवचन सार पढ़ना चाहिए सबको, जो ज्ञान तत्व गेय तत्व प्रज्ञापन है कि आत्मा ज्ञाता है बाकी सब विश्व गेय, इतना निर्दोष समझ। और तुमने गेय से हटके कुछ ज्यादा देखा तो समझ लेना राग द्वेष में। तो भगवान आपके विजय प्राप्त हुई, राग द्वेष का अभाव हुआ। समयामृत पूरित देव सही पर आकृत मूर लेस नहीं विपरीत विभाव निवारण हो सबसे दिन मु सुख कारण हो। जो अपने यहाँ सिद्ध भर नहीं कहते, सब सिद्ध कहते। कुछ समझ में आता? बाबू जी एक बार बोले पंडित जी कि अपने यहाँ सब क्यों लिखा, बंदित तू सब सिद्ध ऐसे लिख देते सिद्ध भगवान। अरे बोले अपने यहाँ मोनोपाली नहीं कि यही भर उस तरह से एवरीबडी कैन, जो भी इस पुरुषार्थ करे बात समझ में आ जाए भगवान बन सकता। 608 जीव तो बन रहे हैं, पर आप भी तत्व का निर्णय करो, अपना पुरुषार्थ जगा, तो आप भी भगवान बन सकते। यानी हमारे यहाँ कोई एक 24 तीर्थंकर भगवान हो ऐसे नहीं, सब जीव भगवान बन सकते। तो वहाँ सब सिद्ध कह करके उन्होंने मोनोपाली खत्म। इसके लिए हर हर मत में तुम देखना एक एक गार्ड बैठा, हर आदमी से पूछ लेना तुम्हारे भगवान कौन, ईसा बौद्ध और जैनियों के 24 और ये कैसे, और फिर त्रिकाल 24 और 720 कैसा धर्म है। यही तो बात है कि ये आत्मा से परमात्मा बनाने का काम कर, आत्मा में परमात्मा शक्ति है और प्रत्येक जीव जिसको समझे भगवान बन सकते। तो समयामृत, समय यानी आत्मा और उसका अमृत से भरा पूरा आपका जो देवपना है धन सही है, ये जीवन सही है कि जो अपना भोजन अपना अमृत खुद आप अपने आप पीते रहे, ऐसे समयामृत पूरे देव सही हो। और पर आकृत मूरत लेस नहीं, अब आपका तो पर के आकार से ही संबंध घट रहा है। अब मनुष्याकार हो वहाँ जाके खोजो कि अपने महावीर भगवान कहाँ मिले, सिद्ध शिला पे खोजो तो मिल जाएगी। आकार बहुत से ऐसे ही मिलेंगे, सात हाथ वाले, तो आपको वहाँ नाम भी नहीं मिलेगा। नाम अपन अंजन चोर ढूंढने आएंगे कि चोर और शब्द बोलो बंद करो पहले, यहाँ चोर और कोई नहीं आते। तो चक्रवर्ती तो होंगे कि चक्रवर्ती यहाँ नहीं आते, तीर्थंकर तो होंगे कि यहाँ तीर्थंकर नहीं, यहाँ निर्नाम होते सबसे देख से। कोई पर का कोई छाप लगा वहाँ कुछ नहीं मिले, सब एक से भगवान। और एक सिद्ध में कितने सिद्ध हैं, अनंत है। कैसे रहते होंगे, अपन तो एक मकान में दो आदमी नहीं रह सकते, ये गजब की व्यवस्था। ऐसा प्लाट लिया है सिद्ध सलाह का 45 लाख योजन का कि कितने ही भगवान आ जाओ कोई को बाधा नहीं आती, गजब का धर्म है। एक माँ ही एक राजे एक माँ ही अनेक, एक में कितने सिद्ध आ जाते, अनंत। और कोई को डिस्टर्ब तो नहीं करते हो, अब तुम्हें लाइट जलाना है हमें लाइट बंद करना, वो ये झगड़ा भी। रामू श्यामू दो लड़के बैठे और ट्रेन में, एक को सर्दी एक को गर्मी, और एक खिड़की बंद करता था और एक खिड़की खोलता था, तो वो कहे खोलो वो कहे बंद करो। और जब दोनों लड़ते लड़ते वो टीटी आई कि क्या बात है कि साहब हमें बहुत बुखार है ये खिड़की बंद करो, उन्होंने कहा हमें बहुत गर्मी लग रही ये खिड़की खोल, तो भैया खिड़की में कांच तो है नहीं है तुम काहे को लड़ो। नहीं समझ में आए, कोई दर्द दुख का सुख का कारण ही नहीं, तुम कह रहे हमारे पास ये नहीं ये है, तुम्हें मिल भी जाएगा तो सुख नहीं देगा, नहीं है तो कुछ अंतर नहीं पड़ता, हो जाएगा तो जब वो पर द्रव्य का अत्यंत भाव है तो करोगे क्या उसका। एक आदमी अम्बानी जैसा है एक आदमी खम्बानी जैसा है, परंतु वो की काम ही में नहीं आते नूर, ऐसा सोचोगे तो सिद्ध की बंजुआ बहुत आएगी। धन्य है प्रभु आप अपना आत्मिक सुख भोगते हो, यही सुख हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सारा जगत थकाया जा रहा विषयों की तरफ, विषयों से मिलता तो कुछ नहीं, थक जाता है। रामायण चली
तो टीवी खरीदी और रामायण चली गई टीवी बरात पर। ऐसा होगा? तुम सोचते हो ना कि हमें तो कुछ तो सुख मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा, वो जो पर्याय बदल जाते। हे भगवान, आप अमृत पीते हो, परिपूर्ण हो, देव आप कहलाते हो, आपके कोई पर की आकृति नहीं, आपके सारे विपरीत विभाव का आपने प्रसार से निवारण कर, यानी आपको किसी भी प्रसंग में राग देश मोह नहीं। अखिना अभिना अचिना सो परा अभिदा अखिदा अभिना से बरा यम जामे जरा दुख जारने हो सब सीधे नमो सुख कारण हो। हे प्रभु, आप खेत खिन्न नहीं होते, आप इन भेदों में नहीं पड़ते, आप कभी क्षीण नहीं होते, आप सुपर क्वालिटी को, सुपरा हिंदी में भी सुपरा और अंग्रेजी में भी सुपर, और अविधा आप भेद भी नहीं देखते, खेद भी नहीं करते, अविनाशी हो, या आपको यम नहीं सता सकता, आपके बुढ़ापा नहीं आता, आपके दुख सब जल गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को हम नमस्कार करते। निर्याश्रित स्वाश्रित वासित हो पर आश्रित खेद नासित हो विधि धारण हारण पारण हो सब सीधे नमो सुख कारण हो। हे प्रभु, आप किसी के आश्रय से नहीं, निराश्रित, आपको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? कि कोई द्रव्य किसी को आश्रय दे सकता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है, किसी के पास डबल रोल नहीं है कि वो अपना काम भी करे और तुम्हारे काम में भी आ जाए। तो प्रभु, आप किसी के आश्रय नहीं रहे, जबकि जगत देखो कोई ना कोई आश्रय तलाशता। तो निराश्रित हो, स्वाश्रित हो, स्वाश्रित के बल से पर आश्रित पना छूट लो, पर आश्रितता से खेत से रहित हो गए हो, विधि धारण हारण पारण हो सब सिद्ध नमो। हे प्रभु, आप सब तरह से अपने कर्मों का जो अभाव करके और मंगल विधि को प्रकट करके जीवन जिया है, ऐसा हमारे जीवन में भी प्रकट हो। बात यानी भगवान का एक भी गुण गाओ तो आपको ऐसा लगे ये शक्ति मेरी है, हे प्रभु मेरी प्रकट, बस इतनी भक्ति चलना चाहिए। जो भी उनकी कोई भी गुण देव सम्यक दर्शन पर, हे प्रभु मुझ में ऐसी ताकत है श्रद्धा गुण की, निर्मल प्रणमन की, और आपकी कृपा से मुझे, आपकी कृपा से यानी आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, यही कृपा हो। अमुधा अचुधा अद्विधाय विदम अकुधा सुसुधा सुवेधा सुसीधम विधि कानन दहन पुतासने हो सब सीधे नमो सुख का। हे प्रभु, आपकी मूढ़ता निकल गई, क्षुधा निकल गई, दुविधा निकल गई, कर्म निकल गई, क्रोध निकल गया, अमृत पीते हो, सुबुद्धि के धनी हो, आप स्वयं सिद्ध हो और ऐसी सिद्ध दशा आपने प्रकट कर ली है, आपने सारे कर्मों का अभाव कर लिया है, यानी जंगल में जैसी आग लगे दावानल, पानी के नीचे आग बड़वानल, और पेट में आग जठरानल, सारी अग्नि समाप्त हो गया, अब कोई प्रकार का दुख का कारण आपके पास नहीं रहे। शरणम चरणम वरणम करणम धरणम चरणम मरणम मरणम तरणम भवारिदि सब सीधे नमो सुख कारण हो। हे प्रभु, जो आपके चरणों की शरण में आता है उसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धन हो जाता है जीवन, वो जीव चार को धारण करता है तो मरण का हरण हो जाता है, ऐसे आप तारने में बहुत समुद्र से पार करने में आप कारण हो। हम सब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते बोवास तरास नाशन हो दुख रास बिना
से होतासन हो निज दासन त्रास रण हो सब से देन मोस। सारी जगत के जीव कैसी भोवन में विचर रहे, भोवन में जीवर घूम चुका, ऐसे लगता है कि यहाँ सुखी हो जाएंगे, यहाँ सुखी हो जाएंगे, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो सुखी, अच्छा बंगला महल बना लेंगे। ये सब आत्मा की उपेक्षा का फल, आत्मा पसंद नहीं आई ना तभी जड़ पसंद पकड़। हे भगवान, आप जैसे संसार के वास से त्रास से ये आप रह तो चुके हो, सारे दुखों की राशि का विनाश करके और आपने पवित्र दशा प्रकट कर ली है, हम तो आपके दासानुदास। खजुराहो के मंदिर में लिखा है कि जो हमारे मंदिर के भगवान की पूजन करेगा, सेवा करेगा, हम उसके दासानुदास, उस तक को उसे सराह। ये भगवान की पूजा करने का भाव सबके बस का थोड़ी नहीं, महाभाग्य है जिसके भगवान की मुद्रा अच्छी लगे, भगवान की शांति अच्छी लगे, अकर्तत्व अच्छा लगे, अंतर्मुक्ता अच्छी लगे, विषयों से विरक्ति अच्छी लगे, स्वाध्याय अच्छा लगे, समझ जाना ये जीव भविष्य में भगवान बनेगा। इस काल की पहचान है, जिसे देव सास गुरु पसंद आ गए वो संसार में ज़्यादा नहीं जा सकते, पसंद आना चाहिए, बात बात में उसे तारीफ ये करना चाहिए, देखो भगवान मिल गए ना, कर्तत्व तो नहीं आता, देखो भगवान मिल गए ना, अब इसमें सुख नहीं लगता। अब इतने जब अपन को थोड़ा सा भी राग टूटता है तो अच्छा लगता है, तो पूरा राग निकल जाएगा, इच्छाओं का वाह होगा, कैसा आनंद आएगा। अंत में तुम ध्यावत शाश्वत व्याधि दहे पूजत ही पद पूज लहे शरणागत सन हो सब से देन मु सुख कारण हो। हे प्रभु, जो आपको ध्याते हैं उनकी शाश्वत व्याधि का अभाव। देखो विषाफार के रचयिता कौन है, कौन बताएगा? विषाफार स्तूत किसने लिखा? धनंजय कवि ने लिखा। घटना सबको मालूम, जवान लड़का 20 साल का समझ, और सर्प ने काटा, जहर चढ़ गया, काला पीला हो गया और मुँह से फंसूकर निकल रहा था। उनकी श्रीमती ने भेजा, नहीं आए। धनंजय कवि पूजा में इतना मन लगा था, फिर बाद में वो खुद पहुंच गई बच्चे को लेके और वहीं डाल दी, कर लो पूजा, ये बचा लेंगे, ये मर जाएगा ना तब आना तुम। इस कितनी क्या क्या सुनाई होंगी, रात को कैसा बोलता है, तो बोल के आ गई, छूट गया, और तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इतना अच्छा मन लगता था आत्मज्ञानी जीव का कि वो ऐसे जैसे भगवान से चिबक गए, ऐसा जीव था वो धनंजय कवि। तो करते रहे पूजा, पूरी पूजा कर ली, विसर्जन पाठ क्षमा मांग ली, और फिर बाद में देखा, अरे देखो असाता वेदनी का उदय हो और इसकी अभी इस जाति का प्रसंग बनना था, इसमें कोई क्या कर सकता। तो अब उन्हें तत्व तो याद ऐसा है, अरे रोग तो जाता है जब असाता का हुआ, और मैं किसकी शरण में जाऊँ, और साता का जो परिणाम विशुद्धि का परिणाम है ना, ये संक्रमण करता है। परिणाम अच्छी विशुद्ध हो ना तो रोगों की स्थिति घटती, शुद्धि बढ़ती, उसमें संक्रमण होता है। अनंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि में लिखा पंडित साहब ने, थोड़ा मिल जाए अनंतादिक की प्रयोजन की सिद्धि में तीन प्रकार के भाव, संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो उन्होंने कहा विशुद्ध परिणाम में ऐसी योग्यता लाता है कि उसमें बहुत परिवर्तन आता, बंधे हुए थे। तो भगवान, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ, आपकी शरण भी छोड़ के जा सकता है, जो सुखी हो सकता, कौन से वैद्य डॉक्टर औषधि वालों को, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हमें आपके सिद्धांत मालूम है। जब जीव के जो परिणाम जैसे होने योग होता है वो होता है, और ये पुण्य का उदय आना चाहिए वो तब रुक जाएगा, हम औषधि कराएंगे तो रुक जाएगा ऐसा नहीं। तो कैसा दृढ़ सिद्धांत होगा कर्तत्व का, धर्म का, पुण्य पाप का, वस्तु स्वरूप का, बैठ गए भगवान के पास। विषाफार स्तुत 44 करीब काव बनाए, स्वात्मस्थिता सर्वगता समस्त व्यापार वेदी विनवृत्त संग प्रबद्ध कालो पजरो वरण पायात पायात पुरुषे प्राण, ऐसा ऐसा स्पन लिखा है, आप पढ़ोगे ना जैसा लगेगा बहुत तात्विक, बहुत बहुत तात्विकता भरी। तो एक स्तुति जब ये किस लोग ये पढ़ा, विषापारम मणिमौषधानी मंत्रम समुद्रस रसायनम चा भ्रामंत हो ना त्वम तिस्मरंती पर्याय नामानी तमेज। अरे रे आप विषाफार, बड़े बड़े मिथ्या जैसे जहर आप निकाल देते,
मणि मोहत धानी, आप मणि हो, चिंता मणि, वो चिंता मणि पतरा नहीं, आप सचमुच में चिंता रसायन हो तो आप। ऐसी स्तुति में शब्द ऐसी गदगद हृदय से स्तुति कर रहे थे। और लड़का ऐसा उठ के खड़ा हो गया कि जैसे हम यहाँ मंदिर में कैसे आ गए, यहाँ यहाँ कौन ले आए, इसके लिए नहीं पढ़ रहे थे वो भगवान का स्तुति। लड़का ठीक हो गया, जबरदस्ती में ना सुंदरी को यहाँ याद नहीं करोगे कोण मिटाने के लिए कर, वो तो अपने वो महारोग मिटाने के लिए। यदि मैं भगवान की शरण में नहीं बैठूंगी तो मेरा उपयोग चंचल होता है, बार बार यहाँ विषयों में जाता है, दुख में लगता है, तो वो उसका खेद ना हो इसके लिए मैं ना सुंदरी नहीं, सब हम और आप भगवान की शरण में सिर्फ अपने उपयोग की रक्षा के लिए। पर हमारे भगवान कुछ कर देते हो ऐसा कभी भाव नहीं रखते और ना उनको ऐसा करता धरता मन। तो ये प्रभु आपकी शरण में आने पर शाश्वत व्याधि मिट जाती है, ये छोटी मोटी कोरोना वोरोना नहीं, कभी रोग ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस तरह से आपकी पूजन करता है वो खुद ही पूज हो जाता है, गजब की बात। यानी तुलसीदास इतने प्रसिद्ध हुए जितने रामचंद्र, कैसे हो गए? क्यों उनका पल्ला पकड़ लिया, उनके गीत गाए तो आज उनके भी नाम लिए जाते। यानी जो आज पूजा करते हैं भविष्य में उनकी पूजा है। पढ़ना पद्मनंदी पंचविंशत का, उसमें एक अध्याय ऐसा लिखा है कि आज जो हमें इच्छाएं मिली, कभी भगवान हमने आपका नाम लेके सराहा होगा कि जैनी कितने अच्छे, तो आज वो जैन कुल में मिल गया, छाया में बैठ, जितनी भी उपलब्धि लिखी उसमें हर बात में भगवान को स्मरण किया। हमें भगवान भोजन मिल रहा ना तो हमें ऐसा लगा होगा कि अच्छे आहार होना चाहिए, मुनिराज निर्विघ्न हो, कभी इनको बाधा ना। तो देखो आज जो मुझे आहार मिल रहा है, हे भगवान मुझे तो लगता है जैसे मैंने आपका कभी स्मरण, हर बात में भगवान का स्मरण करता, इसको कहते भक्ति। इस तरह से अपनी शरणागत को संत उबारन, शरणागत संत उबार, अपन सब संत की कवि की जगह पर बैठे कि हे भगवान हम तो किसी को अब नहीं चाहे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो आप मिल गए ना तो सब मिल गए। जिस रानी को राजा पसंद करे उसके पास सब कुछ आ गया, राजा ही आ गया। ऐसे ही जहाँ जीव राजी पसंद आ गया, जीव राजा के आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट हो गई, तो वो क्यों प्रकट नहीं हुई? सिद्ध वर्ग गुण अगम है शेष न पावे पा, हम की विधि वर्णन करे भक्ति भाव उर्धा। सभी लोग समझ गए होंगे कैसी पूजा की जाती संत कवि के हृदय। यानी आपको फिर से हम एक लाइन भूल रहे हैं, तुम्हें सिद्ध भगवान की जाप देना, भक्ति करना, पूजन करना का अर्थ ही समझ के जाओ कि उनके गुणों से प्रभावित होकर जाओ। वो तो आपके चित्त में 24 घंटे रहना चाहिए। पानी छान के पीते हमारे सिद्ध भगवान ने सिखाया, क्योंकि जीव जीव को बताने वाले भगवान, हम किसी से लड़े नहीं, हमारे भगवान ने बताया। तो लड़ने से रुक जाए, समझ लेना, कहना अरे मेरे भगवान ने बचा दिया, दाल जल गई, घी गिर गया, दूध उफना गया, तो वो सास और बहू में सर्वार सिद्धि जैसी तत्व चर्चा कब होगी? देखो पर्णमन दूध ऐसा बहना था, बेटा अपन नहीं लड़ेंगे, दोनों को नरक। हर बात में भगवान आदि आए, वो हर बात में विधान करता। सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी,
दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक पुनः पंडित जी की प्रवचन माला होगी और रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक। 14 तारीख की शाम का जो